निर्विक्षा आफ्टर सो मेनी इयर्स। भाई अभी हम कोयला लेने आए, देखो कितना सारा। भाई यहाँ कोयले की जरूरत है ना खाना बनाने के लिए, उन्हें चाहिए इस वजह से। भाई अभी हम यहाँ पर बैठे हैं भाई, सुबह 11 बजे से शाम के 5:30 बज चुके हैं, और ये शाम आपको इसलिए नहीं लग रही होगी क्योंकि अभी टेंट में सारी लाइटें जल चुकी हैं। मैं अभी आपको सारे टेंट अच्छे से दिखाऊंगा, सारा डेकोरेशन वगैरह। ये बोल रहा है झूठ बोल रहा है, और अभी बस नहा के आएंगे फिर रेडी होंगे। तो गाइस अभी इतने टाइम बाद भाई मैं घर पे आ गया हूँ। इतने टाइम बाद मतलब मैं काफ़ी देर से, करीबन 3-4 घंटे से उधर ही था ना, जहाँ पर टेंट लग रहा है कमिटी हॉल में। तो वहाँ पर सारा सामान वान देख रहे थे, और चीकू कह रहा है तुमने आज मेरे साथ व्लॉग नहीं बनाया, आप बना लो। तैयार नहीं हो रहा तू अभी तक? मम्मी नहीं आई ना। अच्छा तो मम्मी आके तैयार करेंगी तुझे, तू खुद हो जा तैयार। और क्या, अब तो कोई भी तैयार नहीं हुआ, अभी कोई भी तैयार नहीं हुआ। कोई नहीं, मौसी कर देंगी, चीनू मौसी कर देंगी तुझे तैयार, है ना। और डांस करेगा आज तू? अच्छा खूब, बहुत मजा मजा आया तुझे शादी में? कल तो खूब डांस करा है तूने। मेहंदी लगाई है गाइस मैंने। हाँ देखो इन्हें अपने हाथ में मेहंदी लगा ली, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर इन्हें क्या लिखा है, मौसी की शादी। और यहाँ पर हिमांशी सिद्धांत, दूल्हा दुल्हन का नाम, और इधर इन्हें मौसी की शादी। अपना नाम नहीं लिखवाया तूने? आपको दिखाता हूँ, डैडी भी एकदम अच्छे से रेडी हो चुके हैं, प्रिंट सूट पहना है डैडी ने। ये देखो, हेलो गाइस, और ये वही घड़ी है, मोनिश ने तो अपनी दिखा दी। हाँ ये मेरी वाली है जो मुझे वहाँ से लाए थे। रुको एक मिनट, तुम्हें नीचे तक अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो बढ़िया लग रहे हो, थैंक यू। और गाइस देखो यहाँ पर चीकू भी रेडी हो चुका है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये एकदम बढ़िया से शेरवानी पहन रखी है, देखो जूते ब्लैक, अच्छा लग रहा है चीकू आज तो एकदम। गाइस देखो मैं अच्छे से रेडी हो चुका हूँ, बस कोट डालना बाकी है। अब बताना मैं कैसे लग रहा हूँ, चश्मा वश्मा लगा के जरा। अच्छा लग रहे हो? और यहाँ पर ये देखो चीकू ने भी फुल अच्छा लग रहा है, चीकू भी देखो कितना नए शूजू को अभी बैक कैमरा करके इसके नए दिखाता हूँ। देखो ओह अच्छा लग रहा है चीकू, तू जूते देखो, ये नए जूते लेके आया था, ये कह रहा है ये तो दिखाओ मेरे। अच्छा लग रहा है, बढ़िया पार्टी में मिल। तो चलो गाइस अब मैं भी कोट पहन कर हम निकलते हैं भाई पार्टी में, मतलब टेंट में जहाँ फंक्शन हो रहा है बारात का, तो वहीं पर निकलते हैं हम। अभी हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर है टेंट, वहाँ पर लगवाया हमने, मैंने आपको बताया था ना कमेटी हॉल में बारात आएगी, तो वहीं पर बस निकलते हैं हम अब। और गाइस अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ भाई टेंट में, और कार्तिक बैठा हुआ है मेरे साथ, और मुझे आते ही भाई काम दे दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। देखो अभी मैं कॉपी में मैं वही लिख रहा हूँ, मैं अभी आपको कॉपी दिखाता हूँ, देखो कॉपी में मैं लिख रहा हूँ ये देखो। तो देखो यहाँ पे खाने में लग रही है, नहीं ये मना कर रही है, किसी को खिलाएगी नहीं, ये देखो ये आ गया। अच्छा लग रहा है चीकू, पीले ये देख थोड़ी देख जंग लग रहा, मिस्टी ने खा लिया सारा है। गाइस अभी बारात आ चुकी है, बारात आ गई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। साइड आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। Thank you.
का स्वागत करने के लिए यहाँ पर सब खड़े हुए हैं अभी। पर अभी हम सब रेडी होकर खड़े हुए हैं बारात का स्वागत करने के लिए। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना? यस एक्साइटेड पे कुछ बोल ही नहीं। हंसदे चेहरे दा मतलब ए नहीं हुंदा कि उनां नूं कदे कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओदा मतलब ए हुंदा कि इनां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। बारात देखो, मम्मी अभी आ चुकी है। मम्मी कह रही है मेरा फुल लुक तो दिखा दे, मैं कैसी लग रही हूं आज, ये देखो। और मम्मी आज ना भाई तिलक करेंगी दूल्हे राजा का। हमारे यहाँ रिचुअल होता है, दूल्हे जो भी आते हैं उनका तिलक किया जाता है ना, तो मम्मी करेंगी तिलक। निकू ये क्यों लेके खड़ी हो तुम बताओ? की एंट्री के लिए ना, उनको खिलाएंगे हम। अच्छा, ये खीर है और गुलाब जामुन नहीं तो रबड़ी, सॉरी मैं खीर कह रहा था, रबड़ी और गुलाब जामुन। जीजू की एंट्री जब होगी तब उनको खिलाएंगे हम ये। जाने दो भाई, अब चलो चलो। और देखो यहाँ पर कार्तिक और केशव रिबन लेकर खड़े हैं, ताकि जीजू की एंट्री होगी ना अभी तब उनसे रिबन कटिंग करवाएंगे। उन्हें एंट्री नहीं देंगे, पहले उनसे रिबन कटिंग करवाएंगे और शगुन लेंगे, जो ये लड़कियाँ लेंगी उनसे। हाँ जी, इधर तो देखो एक बारी। ओए तो दूसरी पार्टी में कहाँ से हो गया? तू उधर पार्टी में हो गया, इधर हो सीधा ऐसे कर। ये देख
फिर क्या मन चो लगेंगे अपना मध्य वैसे कम अगर चलो बच्चों ले लो बहन ने तो पराठे को पीछे छोड़ दिया। बातें कर रहे हैं अभी हम सब यहाँ पर खड़े होके कि हम खाना खाएं या ना खाएं। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस अभी हम दुल्हन को टेंट में ले जाने के लिए आए हैं भाई। जयमाला होगी ना उस, तो अभी हम दुल्हन को लेने आए घर पे। वो घर पे ही थी ना मानसी दी, तो उन्हें टेंट में लेके जाएंगे अभी। वहाँ पर जयमाला होगी। और गाइस देखो यहाँ पर दुल्हन रेडी है मानसी दी। इनसे मैं नहीं पूछूंगा कैसी फीलिंग है। नर्वस एक्साइटमेंट दोनों के मिक्स रिएक्शन है। तो चलो अभी बस हम इन्हें लेकर चलते हैं जयमाला के लिए। गाइस देखो अभी गौतम गाड़ी बैक कर रहा है और दुल्हन यहाँ पर बैठी हुई है। चलो हटो भाई, कर दे गाड़ी। क्या करवाना है भाई? रेल गाड़ी। और देखो यहाँ पर चिक्की खेल रही है धुएं में। इसे खेल लग रहा है, देखो कैसे धुएं में खेल रही है। अरे मैं एक ही दो तो लाओ।
बच्चे मानती है सबसे छोटी बहन है। Yeah.